दोस्तों, आज मैं आपसे मॉरीशस के बारे में बात करने वाला हूँ। मॉरीशस का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ मॉरीशस है। ये देश अफ्रीका से 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में इंडियन ओशन में एक बड़े तथा कई छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है। दोस्तों, मॉरीशस एक बहुत ही छोटा देश है तथा इसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर की आबादी से भी कम है। इसका टोटल एरिया लगभग 2040 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब कि ये देश केवल 45 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ की आबादी लगभग 13,50,000 है, जिसमें से 51.9% हिंदू तथा बाकी मुस्लिम और क्रिश्चियन हैं। दोस्तों, ये देश छोटा भारत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, मॉरीशस बहुत ही खूबसूरत देश है। इस वीडियो में मैं आपको मॉरीशस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनमोल गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वर्ल्ड। आइए जानते हैं मॉरीशस के बारे में कुछ अमेजिंग, कुछ नया। मॉरीशस 1638 तक खाली पड़ा था और यहां पर कोई भी नहीं रहता था। 1638 में कुछ लोगों ने यहाँ पर इंसानी कॉलोनी बसाई और इसका नाम मॉरीशस रखा। इसके बाद यहाँ पर कई यूरोपीय देशों का कब्जा रहा। सबसे लास्ट में यहाँ पर इंग्लैंड का कब्जा था। बाद में इसे 12 मार्च 1968 में आज़ादी मिली। यहाँ का नेशनल पक्षी टोटो है। ये लाखों साल पुराना पक्षी है जो कि अब लुप्त हो चुका है और यहाँ पर भी नहीं पाया जाता। हालांकि लुप्त होने से पहले यह पक्षी केवल इसी द्वीप पर पाया जाता था। टोटो एक न उड़ पाने वाला खूबसूरत पक्षी है जो कि कबूतर की प्रजाति से माना जाता है। जब यहाँ पर इंसान आए तो इस खूबसूरत पक्षी की खोज हुई और दुख की बात है कि अगले 100 सालों में इसका शिकार करके इसे लुप्त कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, द सेवन कलर्ड अर्थ। ये रेत के टीलों की एक जगह है जहाँ पर इंद्रधनुष के 7 रंगों की छवि दिखाई देती है। अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि कई बारिशों के बाद भी ये टीले नष्ट नहीं होते और ना ही इनका कलर धुलता है। मॉरीशस एक बहुत ही खूबसूरत देश है, इसीलिए अफ्रीका के बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ पर कई खूबसूरत बीचेस हैं और छोटे छोटे ट्रॉपिकल आइलैंड। टूरिस्ट के लिए भी यहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसी तरह के खनिज नहीं पाए जाते, फिर भी यह अफ्रीका के संपन्न देशों में आता है। इसका कारण है यहाँ का लग्जरी टूरिज्म। इस देश में आपको कई खूबसूरत जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में जियान एड्रेब्रा नाम का कछुआ पाया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर 2000 मगरमच्छ भी हैं। इस नेचुरल रिजर्व को छोड़कर यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं पाया जाता है। और तो और, यहाँ पर पाए जाने वाले सांप भी जहरीले नहीं होते। मॉरीशस की ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। यहाँ की प्रमुख भाषाएँ मॉरीशियस क्रियोले, इंग्लिश, फ्रेंच और भोजपुरी है। मॉरीशस एक मल्टीकल्चरल देश है। यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय, चाइनीज, अफ्रीकी और यूरोपीय लोग रहते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इस देश को छोटा भारत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की आबादी के 51.9% हिंदू हैं, जो कि भारत और नेपाल के बाद किसी भी देश की सबसे बड़ी तीसरी हिंदू आबादी है। और इसी के साथ साथ मॉरीशस अफ्रीका का इकलौता हिंदू मेजोरिटी वाला देश है। तो दोस्तों, ये थी मॉरीशस की कुछ रोचक बातें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।